गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ये डेस्कटॉप चैनल पर। नमस्कार। पहले तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आवाज आ रही है। थोड़ा सा आज नेट का इशू हो सकता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रही है, नेट का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर टेक्सटबुक ज्वाइन कर लेना, सो डेट कि आपको कंटेंट मिलता रहे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रात को 8 बजे आज इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है? जो जितना एफर्ट लग सकता है रात को 8 बजे लगाइए, क्योंकि अपना जो है एक सीरीज चल रहा है, प्रॉपर सीरीज चल रहा है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हर एक टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है? रात को 8 बजे तो उसको यूटिलाइज करिए। और जो बैचेस हैं, जैसे अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं 2024 के लिए, तो उसके लिए अभी से ही पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो सफलता बैच में आपको मिल जाएंगे वो कंटेंट जो आपको अभी से तैयारी के लिए जरूरी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखिए आप में से कौन कौन जो है रेगुलर 8 AM 8 PM पढ़ता। यस लिखिएगा जो जो रेगुलर 8 AM 8 PM पढ़ता, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, है ना? जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अगर आपको मेरा सब्सक्रिप्शन लेना है तो अमनदीप कोड यूज कर देना, डिस्काउंट आपको फीस में मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग पूजा, शुभम, दीक्षा और भी बच्चे जो हैं, जल्दी से जुड़ जाओ। चलो क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस हाउ मेनी मेंबर्स बॉडी। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कैग जो है। देखो कैग के ऊपर बेसिक सवाल क्या आ सकता है कि भैया कैग को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है? बड़ा सिंपल जवाब आंसर प्रेसिडेंट है ना, कि भाई ये तो पता है, इससे आगे की गेम है, ठीक है? कैग का आर्टिकल क्या है? आंसर 148, ठीक है? ये भी आसान है, पता है, बट इससे आगे की गेम है, ठीक है? कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी पता है, ठीक है? बट कैग में टोटल कितने मेंबर होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो बनाए जाते हैं, उसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 2 मेंबर, 3 मेंबर, सिंगल मेंबर बॉडी और 6 मेंबर बॉडी। कॉमन सेंस लगाओ, आंसर इस क्वेश्चन का सिंगल मेंबर बॉडी। देखो आर्टिकल 148 के तहत प्रेसिडेंट एक व्यक्ति को कैग बनाता है, ठीक है? एक व्यक्ति को कैग बनाता है, तो अगर एक व्यक्ति को कैग बनाता है तो भैया सिंगल मेंबर बॉडी हुई ना। बहुत सारे बच्चे इस पे ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। वैसे इलेक्शन बॉडी जो है 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है? इलेक्शन कमीशन, जिसमें 3 मेंबर बनाए जाते हैं, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, ठीक है? लेकिन ऐसा कैग में एक बनाता है, और फिर उसके बाद कैग जो है अपने सॉलिसिटर जनरल घोषित करता है कि भाई ये मेरा असिस्टेंट रहेगा, ये मेरे सॉलिसिटर्स रहेंगे, तो फिर कैग जो है अपने आप अपॉइंटमेंट करता आगे, ठीक है? क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। अपना आत्मनिर्भर भारत, मतलब अपना पटना बिहार, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे पूरा कमेंट लिखो ना। अगर प्रेजेंट और वाइस प्रेजेंट नहीं रहते तो कैग हैंडल करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट नहीं रहते तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहते, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट की तरह हैंडल करते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। 2011 सेंसस क्या गया था? हाईएस्ट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का किस स्टेट का है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है ना? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? हाईएस्ट, देखो 2011 सेंसस के ऊपर तो कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है? कंफर्म क्वेश्चन है जो आना है। मैं 2011 सेंसस भी आज रात को कराऊंगा, क्योंकि देखो मैं आज इंडियन ज्योग्राफी कराने वाला हूँ, उसमें मैं टारगेट करूंगा कि मैं इंडियन ज्योग्राफी का जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सेंसस 2011 का पार्ट है उसको खत्म जरूर कराऊं, ठीक है? रात को 8 बजे हर हाल में जुड़ना है, ठीक है? किसी ने मिस नहीं करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? मेघालय, ठीक है? पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है मेघालय का, ठीक है? इसमें से जो सबसे कम लिटरेसी है किस स्टेट की? सबसे कम लिटरेसी बताइए, इसमें से सबसे कम लिटरेसी किस स्टेट की है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? मेरे ख्याल से ये एक सरल सवाल होगा आप सभी के लिए, ठीक
कि सबसे कम लिटरेसी किस स्टेट की है। ठीक है, द आंसर इज बिहार। ठीक है, बिहार इस क्वेश्चन में आबादी का घनत्व सबसे कम किसका है? सबसे कम आबादी का घनत्व, आबादी का घनत्व कम होने का मतलब कि मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कम लोग रहते हैं, चार लोग रहते हैं। तो आंसर है इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बेटा सिक्किम आंसर मत लगाओ। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछा मैंने, आबादी के घनत्व की बात करी है। दोनों में फर्क होगा, ठीक है, दोनों में फर्क होगा। 2011 सेंसस कौन सा सेंसस है? 13, 14, 15 बताइए, 13, 14, 15। 2011 सेंसस कौन सा सेंसस है? इसको डिटेल में आपको 8 बजे करना है, कोई छोड़िया मत करो 8 बजे वाली क्लास, क्योंकि सोचते अपना नुकसान कर दे। 15 है इस क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर मैं बात करूं तो इसमें से, ठीक है, किसका इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला? अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ो एक बार कि भाई कौन सा इसमें से पोर्ट जो है पार्ट है जिसका हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन जो है सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होने की किसकी उम्मीद है? डिक्रीज इन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, ग्लोबली जो कमोडिटी के प्राइस है वो कम हो जाए। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ जाए, ये लिखा, रिकवरी ऑफ एमएसएमईज एंड इंक्रीज इन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, प्रधानमंत्री गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, डिक्लाइन इन द अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड रिकवरी ऑफ एमएसएमईज। सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, ये सारे ऑप्शन ऐसे है। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे बढ़िया है, डिक्रीज इन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, पहला कि भैया जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है ना वो डिक्रीज हुए और पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एक्सपेंड हो। आप कोई कहेगा सर ये बाकियों से ज्यादा बेहतर क्यों है ऑप्शन जो आपने ए लगा दिया आंसर? देखो, बाकियों से ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि जो ग्लोबल कमोडिटीज है वो पूरी इकोनॉमी को छेड़ती है। एग्जाम्पल ऑयल, अगर ग्लोबल कमोडिटी ऑयल है और ऑयल सस्ता हो रहा है कहीं पे, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ मिलने वाली। ठीक है, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादा जो है सेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो चीज हम इधर दिल्ली से कहीं पंजाब नहीं पहुंचा पा रहे थे, अब हम कश्मीर पहुंचा देते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो इससे ग्रोथ तो आई है, सारा बूम ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का। सर एक और क्वेश्चन देखिए, बैकस्टिक, हाँ जी, टर्म जो है कौन से गेम्स का, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं। ठीक है, बढ़िया आंसर क्या इस क्वेश्चन का? सर आपकी वॉइस शॉर्ट्स में ठीक रहती है पर, शॉर्ट्स में ठीक रहती है, इधर नहीं ठीक रहती, इधर क्या दिक्कत हो रही है? मैं, मेरे ख्याल से सही आवाज आ रही है, कोई दिक्कत है? पर क्लास में क्लियर नहीं होती है, प्लीज सर सही करवा दीजिए। यार आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? मतलब थोड़ा बहुत तो डाउन आता है, मेरे को भी दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत वॉइस एकदम से डाउन होती है, बट वैसे इन द सेंस एकदम सही, एकदम बेकार वाला काम तो नहीं है ना। चलिए, बैकस्टिक की अगर बात करूं तो ये हॉकी में है, बैकस्टिक बड़ा कॉमन है यार ये वर्ड ना, हॉकी स्टिक ही कॉमन है तो बैकस्टिक भी कॉमन कर लो। अच्छा, बटरफ्लाई जो है टर्म किससे संबंधित है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई टर्म जो है किससे संबंधित? बटरफ्लाई बड़ा कॉमन है, बटरफ्लाई लव टर्म किससे संबंधित है? बटरफ्लाई किससे संबंधित है? स्विमिंग से। लव किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। ठीक है, वॉलीबॉल से संबंधित है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अभी करंट अफेयर में था इसलिए पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है जो अभी करंट अफेयर में रहा है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर के इस क्वेश्चन का कोलालंपर मलेशिया। ठीक है, कोलालंपर मलेशिया इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। लुजैन नहीं लगाया करो हर जगह आंसर, लुजैन भी कहेगा मैं कितने ही लोगों को जो है रखो अपने पास, कोलालंपर मलेशिया आंसर। ठीक है, लुजैन नहीं आंसर। सर ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा मुश्किल मैं कहूंगा सर,
करेक्ट स्टेटमेंट है रिवोल्ट 1857 पे। 1857 मेनली नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ, ठीक। रिवोल्ट ऑफ सोल्जर्स वाज फॉलोड बाय द पॉपुलर अपराइजिंग ऑफ सिविल पॉपुलेशन टू। दूसरी स्टेटमेंट सही है क्या? यूपीएससी टाइप क्वेश्चन हो गया तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है कि भाई हाँ नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट सही है कि जो सोल्जर्स का रिवोल्ट था वह जाके सिविल पॉपुलेशन के बीच में भी आ गए, तो बिल्कुल ठीक है, सिविल पॉपुलेशन ने भी योगदान दिया था। कोई कहेगा सर कैसे सिविल पॉपुलेशन, देखो यार जमींदार कोई फौज में तो भर्ती हो नहीं रखा, जमींदार अगर पार्टिसिपेट कर रहा रिवोल्ट में तो वो सिविल पॉपुलेशन में आता है। कोई मजदूर किसान कोई फौज में तो भर्ती है नहीं, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो सिविल पॉपुलेशन में आता है। आर्टिशन क्राफ्ट वाले सिविल पॉपुलेशन में आते, तो दे ऑल पार्टिसिपेटेड, दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई सोल्जर रिवोल्ट्स के बाद ही जो है सिविल पॉपुलेशन भी आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन इस टाइप के आते। रिवोल्ट 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है किसने कहा था, किसने किताब लिखी इस चीज पे कि भाई रिवोल्ट 1857 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। रिवोल्ट 1857, देखो बहुत कम क्लासेस हो रही है बट क्लासेस का एक पर्पस है, वो पर्पस फुलफिल हो रहा है तो कम ज्यादा क्लासेस करने का मतलब नहीं बनता। पर्पस बड़ा सिंपल है कि सुबह 8 बजे वाली क्लास जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर होते हैं, और रात को 8 बजे फाउंडेशन बैच चल रहा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। फाउंडेशन बैच मतलब उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, जैसे पेड कोर्सेज में फाउंडेशन बैच होते हैं वैसे ही रात को 8 बजे फाउंडेशन बैचेस सब, तो वो फाउंडेशन बैच 8 PM का जबरदस्त बैच है, सब बच्चा पढ़ रहा है, कोई GD का कोई CPO कोई भी एग्जाम है 8 PM पे पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है ध्यान रखिए इस चीज को। इधर भी बहुत तगड़ा कंटेंट आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा कंटेंट। कुतुब मीनार कितनी हाइट पे है? आसान है, बहुत ही आसान। कल मैं एक कुतुब मीनार पे लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अभी पहले ये बताइए कि हाइट के कुतुब मीनार की कितनी हाइट है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया। देखो कुतुब मीनार की कितनी हाइट है तो आंसर है 73। डाउटफुल क्वेश्चन, जो बड़े बड़े ज्ञानी होंगे ना यूपीएससी वाले वो भी कहेंगे कि यार ये क्या पूछ लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो फैक्ट आते हैं है ना, बाकियों को पता नहीं होते, बस 73। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, उसे पूरा इल्तुतमिश ने दिया, ठीक है इल्तुतमिश ने, और फिरोजशाह तुगलक ने उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, उसके माले को रिपेयर करवाया 5वें माले को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार को ठीक है डिवोट किया गया था कुतुब मीनार, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में किया गया था 73, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग इन झारखंड, ठीक है, व्हेन साल ट्री वियर्स न्यू लीफ, जो साल ट्री होता है ना उस पे जब नए पत्ते लगते हैं, ठीक है स्प्रिंग सीजन में, उस समय ये फेस्टिवल होता है। ये सेम फेस्टिवल का क्वेश्चन मैं शायद कल परसों में करा चुका हूँ, लेकिन तब मैंने सिर्फ पूछा था कि भैया ये फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का, है ना। आज मैं इसका डिटेल में पूछ रहा हूँ कि स्प्रिंग सीजन में झारखंड में होता है साल ट्री के जब नए पत्ते लगते हैं तब ये होता है, ठीक है। आंसर है सरहुल, इवन जावा भी इनसे संबंधित है, सरहुल इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि ना देखो जैसे मान लो एक स्टेट के 3-4 फेस्टिवल है, आपको चारों फेस्टिवल एक स्टेट के दे दिए और कह दिए, जैसे मान लो बिहार के दे दिए जात जतिन पनवारी विदेशी या पूर्वी, चारों दे दिए ऑप्शन में, कहा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें महिलाएं डांस करती है टू ब्रिंग द रेन, है ना, मतलब टू इम्प्रेस गॉड इंद्रा, है ना। तो फिर उस क्वेश्चन में चारों बिहार के हैं तो डिटेल पता होनी चाहिए ना, तभी तो जात जितिन आंसर आओ कि भाई जात जितिन होता है जिसमें बारिश की मांग की जाती है, ठीक है सर आप, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फार्मिंग सेक्टर का वर्किंग कैपिटल क्या होता, बड़ा आसान क्वेश्चन। अगर आपको वर्किंग कैपिटल होता क्या है ये पता है तो आप एक सेकंड में बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो जो फार्मिंग कैपिटल का फार्मिंग सेक्टर का वर्किंग कैपिटल है वो है मनी, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे लैंड बता रहे आंसर,
ठीक है, लैंड जो है वो वर्किंग कैपिटल नहीं है, ठीक है बेटा। कुछ फिक्स कैपिटल्स होती हैं, ठीक है, दिस इज अ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो भैया मनी है वर्किंग कैपिटल, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। वर्किंग कैपिटल पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। चलो तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, फिक्स कैपिटल होता है मशीन टाइप, ट्रैक्टर्स एंड ऑल लैंड, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पता है हरिहर बुका ने इंडिपेंडेंस स्टेट कर्नाटका की बताई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं विजयनगर एम्पायर, हम्पी। अब बस सवाल बड़ा सिंपल सा है कि विजयनगर एम्पायर कौन सी नदी के किनारे बसा था, कौन सी नदी के किनारे बसा था। और ये मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बड़े आसान दे रखे हैं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ऑब्वियसली थूमंदना आंसर है, कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं जो कर्नाटका से जुड़ा हो, ठीक है ना। सर यहां से क्या इस क्वेश्चन, एक बच्चे ने कहा सर बिना लैंड के खेती कैसे होगी। भाई लैंड के बिना खेती नहीं होगी, बट है ना, देखो सिंपल सी बात है, चाय बनाने लग रहे हो, ठीक है, बिना बत्ती के चाय नहीं बन सकती, इसका मतलब ये नहीं कि दूध जरूरी नहीं है। तो वही चीज है, ठीक है, सिंपल सा है कि चाहिए तो लैंड भी पैसा भी, लेकिन सबका अलग काम है, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। चलिए को एक बार को आप अपनी जमीन पे, आपके पास पैसा नहीं है, आपने छोड़ दिया, यू डोंट हैव द वर्किंग कैपिटल, पी गया फिक्स कैपिटल बट यू डोंट हैव द वर्किंग कैपिटल। दूसरी बार तुम्हारे पास पैसा है, तुमने स्टार्ट कर दिया, वी हैव द वर्किंग कैपिटल टू। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, टेम्पल ऑफ द कंट्री डेमोक्रेसी किसे कहा था। बेसिक बात है, हमारे भारत के संविधान के लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पार्लियामेंट। हाँ सर जरूरी है, बट पहले तो चाय पत्ती, वो ही नहीं होगी तो मिल्क का फायदा क्या। चलिए ठीक है, इस पे आप बहस बाद में करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, समझे नहीं आप बात को, पार्लियामेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बना है, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। होता क्या है, जैसे अगर मैं ब्रिटेन में कहूँ ना, ब्रिटेन में क्या सुप्रीम है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको मिलता है कि इंडिया में क्या सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन में क्या सुप्रीम है, पार्लियामेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। पर ए सिटी ऑफ विक्ट्री वाज नेम ऑफ ए सिटी, बट वेल एम्पायर के सभी में सिटी ऑफ विक्ट्री घोषित की गई, कौन सी सिटी, और आसान है, ठीक है, और थोड़ा सा हिंट भी है इसमें। आंसर है विजयनगर एम्पायर। देखो हरिहर बुका ने इसे जीता, ठीक है, विजय शब्द विक्ट्री। आपको ये नहीं सर, फतेह में भी तो है, निंजा ऐसे मत बोलना सर, आपने कहा एंड फतेह में भी है, बट विजयनगर एम्पायर को कहा जाता है, मिडविल हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, हरिहर भूखा के द्वारा स्थापित किया गया हम्पी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा आप, सार्क का पहला सबमिट जो है किस वर्ष में हुआ, बताइए सार्क का पहला सबमिट किस वर्ष में हुआ। बेटा जो बच्चा पीजीसीएल का वेट कर रहा है कि ये कंपाइल पीडीएफ आएगा, तो यस डेफिनेटली आएगा, ठीक है, नो डाउट, पक्का आएगा एक दो दिन में, ठीक है। और अभी जो फिलहाल पीडीएफ आ रहा है वो प्रॉपर हिस्ट्री का आया है, मॉडर्न हिस्ट्री का, मिडविल हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का, आज इंडियन ज्योग्राफी का भी पक्का आएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आनी है आज, ठीक है। जो सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं करेगा, सीधी सी बात, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा, नंबर नहीं लगा। आंसर क्या है इसमें, 1985 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैं आपके लिए रात को 8 बजे शायद एक लूसेंट की मैराथन भी प्लान कर रहा हूँ, जो 500 क्वेश्चन होंगे काम के, बहुत तगड़े 500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो भी जरूरी होगी आपके, ठीक है, रात को 8 बजे ही, सैटरडे संडे में रखा है, तो ये भी।
चलिए बताइए इसमें 1985 आसान क्वेश्चन सार्क समिट। अच्छा पहला सार्क समिट कहाँ पे हुआ था? एनी गेस, पहला सार्क समिट कहाँ पे हुआ था? देखो ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई पहला सार्क समिट कहाँ पे हुआ, तो ढाका आंसर है। सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका इसका आंसर है कि भाई पहला सार्क समिट हुआ यहाँ पे, ठीक है ढाका में। बट सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो काठमांडू में है नेपाल में, काठमांडू में नेपाल में। एक और क्वेश्चन, इन ऑल AIBA बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन, देखो जैसे रेस्ट टाइम का क्वेश्चन है कि भाई जो AIBA का जो बॉक्सिंग कंपटीशन होता है उसमें जो रेस्ट टाइम होता है कितना होता है, कितने मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, डिटेल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप कोई मैच भी देखे होंगे तभी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो, बहुत जल्दी जो है वो बॉक्सिंग दोबारा स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। ओके नमो, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का जो है ड्यूरेशन होता है कि भाई 1 मिनट में रेस्ट होता है, उसके बाद तुरंत पीटी बज जाती है और वो पिटने को तैयार होते हैं दोबारा एक दूसरे से। अब पैसेज टू इंडिया किताब किसकी है, जल्दी से बताइएगा पैसेज टू इंडिया किताब किसकी है, बताइए। मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है पैसेज टू इंडिया की अगर मैं बात करूं तो E.M. Forster इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है आंसर? E.M. Forster इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन देखेगा, कुमोन हिमालयास जो ईस्ट वेस्ट डिवीजन में, मतलब जैसे एक होता ना कि ऊपर के हिमालयास के डिवीजन है हिमाद्री शिवालिक एनो, ऐसे ही इस तरह भी है कुमोन हिमालय हो गया, ठीक है, असम हिमालयास हो गया, इस तरीके से। तो जो कुमोन हिमालयास है वो कौन सी दो नदियों के बीच में आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार है, मतलब इसके भी 4-5 डिवीजन है तो वो 4-5 डिवीजन पता होने चाहिए, ठीक है। कश्मीर हिमालयास, कुमोन हिमालयास, असम हिमालयास, पंजाब हिमालयस कहते हैं, सतलुज और काली के बीच में जो है कुमोन हिमालयस पड़ते हैं, काली और सतलुज दिखता नहीं है, सतलुज और काली के बीच में, ठीक है बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेस्मिक वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे खतरनाक जो सेस्मिक वेव है जो अर्थक्वेक आता है उसमें से वेव उत्पन्न होती है P, S और L। तो सवाल पूछा गया है कि कौन सी वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती होगी, कौन सी वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती होगी, तो होती होगी का आंसर है सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव जो है ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। देखो अब कोई कहेगा सर ऐसे कैसे, देखो बेसिकली क्या है, जो अर्थ है, अर्थ में जैसे इधर अर्थ की ऊपर हुआ तो पी और एस जो है ना जमीन के नीचे रहती है और इनका कॉम्बिनेशन से बनती है एल वेव, जिसको कहा जाता है सरफेस वेव, लव वेव कहते हैं इसे। ये एल वेव ही तो अर्थ तक पहुंची है, तो डिस्ट्रक्शन किसने किया, एल वेव ने ही तो किया, ठीक है। तो एल वेव जिसको लव वेव भी कहा जाता है वही सरफेस वेव है जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव में फर्क ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी जो डिक्लेयर होती है उस समय कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते, सस्पेंड सारे हो सकते हैं बट दो नहीं हो सकते, दैट इज बी एंड ई के। ऑब्वियसली राइट टू लाइफ बहुत जरूरी है ना, राइट टू लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राइट टू लाइफ अगर सस्पेंड हो रहा है तो भैया किसी को भी मार दिया जाएगा, दिक्कत की बात हो जाएगी, बाकी ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वी सत्यनारायण शर्मा कौन से डांस फॉर्म के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कौन से डांस फॉर्म के लिए प्रसिद्ध है? सर आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कुचिपुड़ी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है कुचिपुड़ी पे, तो कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है ये भी बता दो। क्या आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, क्या सत्रीय, क्या असम का डांस फॉर्म है? ठीक है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है तो ये दो तीन क्वेश्चन जो है आपको बन सकते हैं। उड़ीसी उड़ीसा का है ना। दो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुए 1915-16 के बीच में। ठीक है और ये दोनों होम रूल लीग मूवमेंट दो व्यक्तियों के द्वारा किए गए, दोनों व्यक्तियों का नाम बताइए तुरंत बताइए। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो किन के द्वारा किया गया, तो आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है एंड ठीक है लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट की न्यूज़पेपर भी थी यंग इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, लोकमान्य जी की भी, तिलक जी की भी थी न्यूज़पेपर मराठा एंड केसरी। तो इनके न्यूज़पेपर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, इनके होम रिलीफ मूवमेंट पे भी क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस कौन से पंचवर्षीय, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से एक है, सारे भी है प्रीवियस ईयर के बट ये बहुत जरूरी। ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आप में से जो है ना PGCIL के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम का नाम लिखेंगे बारी मेरे सामने कि भाई कौन सा एग्जाम है इसके अलावा, क्योंकि अभी SSC JEE को भी टारगेट करेंगे हम। ठीक है SSC JEE को भी हम देख रहे होंगे, उसको भी हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। SSC मतलब जो भी एग्जाम है आप लिखे, क्योंकि बेसिक तो हर जगह पे GK का ऐसा ही होता है। ठीक है ना दीपक सिंह, यार मैं ना अपने एंड से नहीं कर सकता, टीम के एंड से होता है, तो टीम ग्रीन कलर कर देती है तो बार बार चेंज कैसे करवाऊं मैं तो चाहता हूँ कि ग्रीन कलर से अलग हो, तो देखता हूँ मैं बोलता हूँ। थर्ड फाइव ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस की बात हुई, देखो सेल्फ रिलायंस की बात इसलिए हुई थी क्योंकि फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड के बीच में और आगे, तो फिर थर्ड जो बाद में स्टार्ट हुआ ना तो उसमें सेल्फ रिलायंस की जरूरत थी। ठीक है सेल्फ रिलायंस मतलब अनाज अपना खुद का हो और सब कुछ अपना खुद का हो। बताइए रिमोट नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का। देखो अब थोड़ा हेडक्वार्टर के क्वेश्चन करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। ठीक है ना आंसर इस क्वेश्चन का हैदराबाद, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, नए क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। ठीक है आंसर क्या है, ग्रीन नहीं सर व्हाइट भी चेंज कर दिया, व्हाइट में क्या दिक्कत है, व्हाइट तो वेरी सुंदर होता है, व्हाइट या ब्लैक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो आंसर है सही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पे, ऑब्वियसली यार दिल्ली में तो नहीं होगा ना ओशन वाला कुछ, होना तो ऐसा कोस्टल एरिया में चाहिए है ना, तो वही है कि कोस्टल एरिया में देखेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ठीक है आंसर इज देहरादून। ठीक है देहरादून इस क्वेश्चन का आंसर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलिए तो आंसर है देखो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है आंसर क्या है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर करनाल, दूध और दही का खाना हरियाणा करनाल में बहुत है, आनंद नहीं है इस क्वेश्चन का भाई, आनंद है गुजरात में, दूध बहुत है लेकिन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। ठीक है प्यारे ध्यान रखना, ठीक है
ललित कला अकादमी एस्टेब्लिश किया गया था किस वर्ष में? पार्टिसिपेट करो, बहुत जरूरी कंटेंट है, पार्टिसिपेट करो, काम का जो है सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कह रहे ललित कला अकादमी एस्टेब्लिश की गई किस वर्ष में, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 1954 में। इसमें 1954 में क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही। चलिए, व्हेन वाज एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया स्थापित कर दिया गया? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1978 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखो ईयर फैक्ट जो है ना, ये तो आपको फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे इतने सारे ऑप्शन आ गए, इसमें मैं जब मैं ये देख रहा हूँ कि भैया कॉटन, ठीक है, सी का थर्ड ही होना चाहिए आंसर, सी का थर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि भैया देखो राइस तो कटक में ही है, तो उसके बाद कॉटन भी साफ दिख रहा है, नागपुर में हो सकता है, महाराष्ट्र की तरफ सारे सेम मैच हैं, ठीक है। एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर बेंगलोर, ठीक है, तो मतलब सारे सेम मैच हैं एकदम। तो एक और क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है ये कहाँ पे, बताइए आसान क्वेश्चन। इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम जो है वो भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली, ठीक है। रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है कौन सी सिटी में, ठीक है, तो रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कौन सी सिटी में, तो आंसर है कपूरथला, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो सोल्व कर रहे, ऐसे व्हील फैक्ट्री भी क्वेश्चन आता है, सॉरी, ठीक है, व्हील फैक्ट्री का भी आता है क्वेश्चन इसमें, है ना। आईसीआर ऑटोनोमस बॉडी है, आईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, मतलब फुल फॉर्म पे क्वेश्चन है, इतना लंबा कहानी देने के बाद, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम कर रहा था, आईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, इतनी बता भी दी कि भाई एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम कर रहा, ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है, बस इधर काउंसिल और सेंटर का पंगा पड़ता है, ध्यान रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का आंसर है। कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी मद्रास में 1963 में किसने स्थापित करी थी, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, विम्पत्ति चेन्नई सत्यम इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इनके द्वारा ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी देखो डांस फॉर्म से संबंधित कोई फेमस व्यक्ति होता है, जैसे अभी मैंने आपको वीर सत्यनारायण का बताया, वीर सत्यनारायण, तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस टाइप के, ठीक है, कोई फेमस पर्सनैलिटी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई, बताइए जियोलॉजिकल, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई, आंसर है 1851 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 1851 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रिवेन्यू पे खर्च, जैसे होता ना दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम करंट पे कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन में है सैलरी पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की देना, सरकारी जो मुलाजिम है उनका जो है सैलरी देना, तो वो रिवेन्यू है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो हर महीने देना है, करंट में रहेगा वो, ठीक है। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट होना, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कैपिटल होती है, ठीक है, जगह वगह खरीदना कैपिटल होता है, मशीनरी खरीदना भी कैपिटल होता है, सैलरी देना उस पर जब सरकार पैसा खर्चती है तो वो एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, अच्छा वैसे ये क्वेश्चन पता है किसमें आया, अभी लेटेस्ट एक पेपर में आया है, बिल्कुल जस्ट समझ लो 2-3 दिन पहले,
But the Indian city is famous for Kalamkari painting. बताइए इंडियन सिटी जो कलमकारी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी? मॉर्निंग टेस्ट कब स्टार्ट होगा? 2-3 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन बाद मॉर्निंग टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चल आंसर क्या? इस क्वेश्चन का आंसर है मौसुलीपट्टनम, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? कलमकारी पेंटिंग होती है यहाँ पे। 25 क्वेश्चन, हाँ मैं समझ रहा हूँ, वही क्वेश्चन। कादंबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई? कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई? एक लहजे वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हरश्चरित्रा किसने लिखी, कादंबरी किसने लिखी, ये क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर बाणभट्टा ही रहेगा। बाणभट्टा हर्षवर्धन के दरबार में थे, इन्होंने एक हर्षचरित्रा लिखी थी, ठीक है, हर्षचरित्रा लिखी थी और दूसरी कादम्बरी लिखी थी। तो ये दो चीजें जो है, कादम्बरी और हर्षचरित्रा, ये दोनों की दोनों जो है बाणभट्टा के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, दोनों की दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आ सकता है। ठीक है बताइए, कामाख्या टेम्पल जो है लोकेटेड है वो कहाँ पे? ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, अब ना इसमें ना आपसे कहता कि भैया असम में है, तो कहता कोई बड़ा आसान है, तो कामाख्या का असम में है तो भैया उसके हिसाब से तो गुवाहाटी ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पेपर बड़ा ही आसान आया है ये, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं पेपर में। रुड़कीला स्टील प्लांट जो है किसकी मदद से बनाया गया? बड़ा आसान, भले ही स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, रुड़कीला स्टील प्लांट, ठीक है, ये सारे के सारे जो 4-5 प्लांट बने थे ना फॉरेन हेल्प से, तो वो उनपे क्वेश्चन बेसिक बनता है, ठीक है, तो रुड़कीला स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया? चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का प्यारे? इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट जर्मनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए, मतलब बेसिकली क्या है, जर्मनी है, वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्टर्न जर्मनी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी डिवाइड हो गया था, तो वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी माना जाता है। ठीक है, पर ये आंसर, फॉलोइंग ट्रेन इन इंडिया इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, कौन सी ट्रेन है जो सोलर एनर्जी से चलती है? मुश्किल नहीं है, आसान है, डेमू ट्रेन, क्योंकि भैया दुरंतो तो भैया सोलर वाला सिस्टम है ही नहीं, इतनी भगाते हैं वो तो सोलर एनर्जी से चलेगी नहीं, है ना, रात को ही भग रही होती है। वंदे माता ओबेस्टी नोट, ठीक है, बताए सॉरी ये बसता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोलर ये सब क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट लॉ इन कंसिस्टेंट विद पार्ट थर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवॉइडेड। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13। देखो इसमें ना स्पेसिफिकली ना फंडामेंटल राइट का कुछ ग्लिच दे रखा, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट से संबंधित चीजें दे रखी हैं, क्योंकि इसमें ना रट्टेबाजी नहीं मारनी थी। 14 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो रहा है और पार्ट थर्ड लिखा हुआ है, तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की बात होने वाली है, ठीक है, और वो भी स्टार्टिंग में होने वाली है, बीच में नहीं होगी, क्योंकि 19 तो कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है, 17 भी कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है, और 10 तो पार्ट सेकेंड में चला जाता है, सिटीजनशिप में चला जाता है, तो बीच में ये साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ड। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट को कहूँ ना कि वो पेपर में क्या करे, तो वो एजुकेटेड गैस लगाए, बस क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, कुछ नहीं पढ़ा फिर भी सॉल्व होंगे, एजुकेटेड गैस अच्छे से लगा। ठीक है, मैं तेरा पक्का लगा के आता, चाहे मेरे को कुछ ना पता होता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नेशनल फ्लैग स्टेडियम पे फहराया था, कौन से स्टेडियम? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कौन सा स्टेडियम था जहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 में झंडा फहराया?
अब बच्चे ये सोचेंगे 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे हुआ था, तो फिर भाई कोई दिल्ली का होना चाहिए। बट द आंसर इज इरविन स्टेडियम। ठीक है, ताल कटोरा इसलिए लगा रहे बच्चे क्योंकि ताल कटोरा और छत्रछाल दिल्ली में है। बट द आंसर इज इरविन स्टेडियम। ये लेवल हाई था, ये मैंने किसी समय में एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन कराया था और ये अभी परसों तरसों के किसी पेपर में आया। एनटीपीसी वाले बच्चों को तक को करवा रखा मैंने क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इरविन स्टेडियम में झंडा करा, ठीक है, केबीसी टाइप क्वेश्चन हो गए। नहीं कर पाए कुछ नहीं होता, करोगे आप, बहुत करोगे आप। जो बच्चा रात को 8 बजे पढ़ लेगा वो सब कवर करेगा, क्योंकि मैं ये सब लेके आने वाला हूँ। जितना क्वेश्चन आपको लगता है ना लीक करेगा आपके पेपर में कि आपको नहीं आता होगा, वो सब मैं लेके आऊंगा रात को 8 बजे। इस चीज की अश्योरिटी है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए। बढ़ाई इगल टर्म जो है कौन से स्पोर्ट्स है, हमेशा ये स्पोर्ट्स के टर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में। हर पेपर में स्पोर्ट्स के टर्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में। बताइए आंसर क्या है। आठ तारीख को पेपर है, मेरे ख्याल से कुछ दिन में हो जाएगा, 2 4 दिन में। तो आंसर है गोल से संबंधित, इससे संबंधित है, गोल से संबंधित। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हुए। देखो जो आज के क्वेश्चन थे वो इस वाली क्लास के तो है लिमिटेड क्वेश्चन, और रात को 8 बजे वाली क्लास के भी लिमिटेड है, बट उस क्लास में क्या रहता है कि उसमें चैप्टर टू चैप्टर चल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखने हैं। इस क्लास को और बेहतर बनाया जाएगा एसएससी जेई का बैच लॉन्च करके यहाँ पे, ठीक है। CBT 1 2024 की दोबारा तैयारी कराई जाएगी यहीं पे इस टाइमिंग पे, जहां तक मुझे लगता है। एंड वी शुड नॉट मिस दिस टाइमिंग। ये काम क्या है, ठीक है, PGCIL का अभी 2 3 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, 5 तारीख को पेपर हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा, नया बैच स्टार्ट होगा। तो ये टाइमिंग नोट रखिएगा कि भाई इसी टाइमिंग पे होगा जो, और रात को 8 बजे। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो, क्योंकि PDF समय पे आती है, आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। बहुत जरूरी कंटेंट मैं इसमें रात को 8 बजे दे के आ रहा हूँ, ठीक है, कोई बच्चा मिस ना करे, ठीक है। और अमन सर टेक्स्ट बुक पे पोल्स भी होते रहते हैं, नए नए बैचेस भी आते रहते हैं, तो बैचेस के लिए कोड भी है इधर, अमनदीप कोड यूज करके आप जुड़ सकते हैं। देखो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे जाओगे ना, तो इंजीनियरिंग एग्जाम में स्पेशली आप अभी देखो, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ दोबारा इसी पे। मेरा टारगेट रहेगा कि AEJEE CBT 1 में जिस जो रिजल्ट अभी आया है उससे ज्यादा रिजल्ट आए 2024 में, तो अपना फोकस ये रहने वाला है, ठीक है। फाउंडेशन बैच आने वाला, ठीक है। है ना, धन्यवाद आप सभी के। इसको आप एक बार ना ज्वाइन कर लेना मंदिर कोड यूज करके। चलिए बेटा इसमें क्या है कि सब्सक्रिप्शन लेते समय ना आप बस इतना ये सोच के सब्सक्रिप्शन लिया करो कि यार हाँ एक टारगेट तरीके से 3 4 महीने पढ़ लेंगे, उसके बाद हम चाहे फिर यूट्यूब पे आ जाए घुमा फिरा के दोबारा यूट्यूब पे आ जाए, लेकिन 3 4 महीने एक सब्सक्रिप्शन में पढ़े वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से, धन्यवाद आप सभी का, जुड़ते रहिए पढ़ते रहिए।